पेपाल से कैसे पेमेंट पे करते हैं? अभी इन दिस केस में मुझे डॉलर में सेंड करना है पेमेंट। अभी आपने देखा होगा बैलेंस 1,84,000 कुछ था। तो अगर ऐसा एरर आ रहा है तो आपको ये नंबर वन चेक करना है, क्रेडिट बायर को फीस पे करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि डिफरेंट वेज क्या है जब हम अलीबाबा सप्लायर को पेमेंट करते हैं। मैंने एक साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और उसमें मैंने $10,000 कैसे लाइव में पेमेंट करता हूँ वो दिखाया था, लेकिन तब मैंने अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस यूज़ किया था। और उसके बाद कुछ बहुत सारा अपडेट हुआ और कौन से अलग अलग पेमेंट मेथड्स हैं जब आप सप्लायर को पेमेंट करेंगे, राइट? तो इस वीडियो के अंदर हम उसकी बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट करते वीडियो को। हेलो गाइज, माई नेम इज़ दीपक फ्रॉम fstsacademy.com, जहाँ आप अमेजॉन FBA का कोर्स फ्री में देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्री कोर्स देख सकते हैं। डायरेक्टली अलीबाबा के अकाउंट में जाकर मैं आपको एक पेमेंट भी करके दिखाऊंगा कि पेपाल से कैसे पेमेंट पे करते हैं। जैसे कि पहले मैंने ट्रेड एश्योरेंस यूज़ की थी, अब पेपाल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी पेपाल द्वारा कैसे पेमेंट करेंगे और सिक्योर वे भी रहता है बहुत। जैसे कि पहला नंबर वन सिक्योर वे ऐसा होता है, जब आप अगर पेपाल से पैसे पे करते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट में अगर कुछ डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो आप डायरेक्टली पेपाल से डिस्प्यूट निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये भी है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी के द्वारा भी आप एक डिस्प्यूट निकाल सकते हैं, तो आपको डबल प्रोटेक्शन रहता है। लेकिन बहुत सारे प्रूफ्स भी देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपको प्रोडक्ट्स मिले और आपने बोला कि डिफेक्ट है और मुझे रिटर्न मिलो, ऐसा नहीं होगा, राइट? यहाँ देखो, मैं ऑलरेडी अलीबाबा के अकाउंट के अंदर हूँ, या मेरा अलीबाबा का अकाउंट है और उसके अंदर जो भी एक ऑर्डर है, यहाँ देखो ये ऑर्डर नंबर है और मैंने उसके ऊपर क्लिक किया अभी, और ये पेमेंट मेथड्स हैं अलग अलग। जैसे कि मैंने एक साल पहले जब वीडियो रिकॉर्ड किया था तब उसके अंदर इतने सारे पेमेंट मेथड नहीं थी, अभी बहुत सारे ऐड हो चुके हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा एक बेनिफिट होगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे पे करने के लिए। जैसे कि पहला है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, पेपाल है, एप्पल पे है, गूगल पे है, उसके बाद वायर ट्रांसफ़र, ऑनलाइन ट्रांसफ़र। अभी मैंने इससे पहले क्रेडिट कार्ड द्वारा किया था और ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी मैं करता हूँ कभी कभी, अगर ज़्यादा पेमेंट पे करना है तो। अभी क्रेडिट कार्ड द्वारा जब आप पेमेंट करोगे तब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चन आए थे पिछले वीडियो के अंदर और इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत बार लोग मैसेज करते रहते हैं कि जब अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो पेमेंट नहीं हो रहा है। अब जब आपको पेमेंट फेल हो रहा है अलीबाबा के ऊपर, अगर आपको अगर ऐसा एरर आ रहा है तो आपको ये नंबर वन चेक करना है, क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करो और उनको चेक करो कि हो सकता है आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डीएक्टिवेट हो चुका होगा या लॉक किया होगा, तो आपको पहले वो अनलॉक करना पड़ेगा। दैट्स नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग आपको देखनी पड़ेगी जब आप क्रेडिट कार्ड द्वारा पेमेंट करोगे, तब पहले वो अनलॉक करो उसके बाद पेमेंट करो। और अभी पेपाल द्वारा, अभी इस वीडियो के अंदर मैं पेपाल द्वारा पेमेंट करके दिखाऊंगा आपको। एप्पल यूज़र हैं, एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ करते तो एप्पल पे भी कर सकते हैं, गूगल पे यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके वायर ट्रांसफ़र कहते हैं, राइट? आपने यहाँ देखो अच्छे से, अगर आप क्रेडिट कार्ड द्वारा पेमेंट करते हो तो 1 या 2 घंटे के अंदर सप्लायर को पेमेंट मिलेगा, पेपाल द्वारा 1 या 2 घंटे के अंदर सप्लायर को। उसके बाद एप्पल पे, गूगल पे द्वारा भी अगर आप पेमेंट करते हो तो 1 to 2 hours में सप्लायर को पेमेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप वायर ट्रांसफ़र करते हो, बहुत बार मैंने बैंक से ट्रांसफ़र किया है, तब यहाँ दिखाया है कि 1 to 7 days, लेकिन यूजुअली वो 48 घंटे के अंदर पेमेंट मिलता है सप्लायर को। ओके, तो अभी इस ऑर्डर को लेट्स से यहाँ देखो, प्रोडक्ट अमाउंट $4 एंड जैसे कि शिपिंग, तो इसके लिए मैंने पेमेंट कर रहा हूँ मैं एक्चुअली 3,876 और मुझे ट्रांजेक्शन फ़ी मिल रही है 113 yen, राइट? तो यहाँ से अगर, यहाँ देखो, अगर आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेमेंट करते हो तो यहाँ देखो मेरे कुछ 4-5 क्रेडिट कार्ड अटैच हो चुके हैं, लेकिन इस बार मुझे पेपाल द्वारा पेमेंट करना है। तो जैसे मैं पेपाल सेलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा पे विथ पेपाल, राइट? जैसे कि आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको रीडायरेक्ट होगा पेपाल के अकाउंट के ऊपर, राइट? तो आपको फिर से पेपाल का अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद पेपाल के अकाउंट द्वारा वहाँ से पेमेंट करना पड़ेगा। इस ऑर्डर को यहाँ मैं पेमेंट कर सकता हूँ पे विथ पेपाल, राइट? अभी मुझे कुछ सप्लायर से, सप्लायर के साथ बात करनी है इस ऑर्डर के बारे में। मुझे दूसरी ऑर्डर का पेमेंट करना है तो मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा आपको पेपाल के अकाउंट के अंदर कैसे डायरेक्टली पेमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो पेपाल आपको लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद कैसे पेमेंट करेंगे वो मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा अभी। उसके बाद आपको कुछ डाउट नहीं होगा, और अगर कुछ भी डाउट होगा तभी भी आप इस वीडियो के कमेंट में पूछो या मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले कमेंट भी पूछो, हो सके बाकी वो कमेंट का बाकी लोगों को भी यूज़ होगा। पेपाल द्वारा जब आप पेमेंट करते हो तो जो सेलर होता है उनको 4.4% का चार्ज लगता है, तो हो सकता है कभी कभी वो जो आपकी ऑर्डर है उसके अंदर वो 4.4% ऐड करके देगा या आपको बोलेगा कि आपको फी पे करना पड़ेगा, लेकिन वैसे नहीं है, बायर को फीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपाल का रूल ऐसा है जो सेलर होगा उनको पे करना पड़ेगा, राइट? तो हो सकता है आप अपने सप्लायर से निगोशिएट करो उसके बारे में,
एंड पेपाल के द्वारा पेमेंट करो, क्योंकि सिक्योरिटी होती है, डबल प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया तो आप पेपाल को डिस्प्यूट भी निकाल सकते हैं, राइट। तो चलो अभी हम पेपाल के अकाउंट के अंदर जाते हैं और वहाँ से पेमेंट करते हैं। पेपाल में है, ये मेरा पेपाल का अकाउंट है और यहाँ से हम अभी सप्लायर को पे करेंगे। लेकिन पेपाल से कैसे पे करें? तो पेपाल से क्यों पे करना है, क्योंकि जब आप पेपाल से पे करते हैं सप्लायर को तो सिक्योरिटी होती है, आपको प्रोटेक्शन होता है पेमेंट का। क्योंकि अगर कुछ गलतियाँ हुए, लेट से अगर सप्लायर ने प्रोडक्ट्स नहीं भेजे आपको या कुछ प्रॉब्लम्स है, डिफेक्ट है, तो आप डिस्प्यूट निकाल सकते हैं, आप पेपाल के साथ बात कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप पेपाल से भी पेमेंट करो। अभी इन दिस केस में मैं पेमेंट जो है वो अलीबाबा पे कर चुका हूँ प्रोडक्ट का, और अभी मैं शिपिंग की जो फी है वो देने वाला हूँ सप्लायर को। तो मेरा सप्लायर शिप कर रहा है, तो उन्होंने मुझे इनवाइस भेजी और इतना मुझे अभी पेमेंट करना है। तो मैं उन्होंने मुझे ईमेल दिया उनका पेपाल का, तो लेट से अगर पेपाल से पे करना है तो मैं यहाँ अभी पेपाल का अकाउंट आप देखो, यहाँ कुछ 184,000 बैलेंस है। तो मैं अभी सेंड मनी पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे सेंड करनी है राइट उनको, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। एक्चुअली सेंड ही करना था, तो सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को समझ में भी आएगा कैसे मैं एक्चुअली लाइव पेमेंट कर रहा हूँ। तो सेंड पेमेंट टू, यहाँ ईमेल एड्रेस डालना जो भी है सप्लायर का, ओके नेक्स्ट जाएगा और बोलेगे कितने आपको पेमेंट सेंड करना है, और जापनीज येन में सेंड करना है या डॉलर में सेंड करना है। अभी इन दिस केस में मुझे डॉलर में सेंड करना है पेमेंट, राइट। तो मैं चेक करता हूँ एग्जैक्टली अमाउंट कितनी बोली है सप्लायर ने। जो भी इनवॉइस होगी आपके पास, उस इनवॉइस को आपको चेक करना है और उसके हिसाब से आपको पे करना है, राइट। तो लेट मी चेक कितने इनवॉइस है, $1,687। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ $1,687। ओके, तो ये लगभग करेंसी में, जापानीज करेंसी में दिखा रहा है कि टोटल 1,93,000, राइट। अभी मेरे पास, अभी आपने देखा होगा बैलेंस 1,84,000 कुछ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके अंदर से क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी जॉइंट है तो वहीं से पे करेंगे। तो मैं यहाँ सप्लायर शिपिंग कोई नोट देऊंगा और मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ आ रहा है कि कहीं से पे करना है आपको। देखो पेपाल USD बैलेंस कितना है, $1,687। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं करता हूँ सेंड पेमेंट राइट नाउ, यहाँ क्लिक करता हूँ और लेट्स सी, हो गया। देखो यू हैव सेंड पेमेंट, हो गया, कितना ईजी होता है। और यहाँ आ रहा है सेंड अनदर पेमेंट। तो आई होप गाइज यू गॉट क्लियर आइडिया वट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट मेथड ऑन अलीबाबा, कौन से अलग अलग टाइप हैं और आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेपाल। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा यहाँ की, मैंने कैसे अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस करके भी पेमेंट किया है, इस वीडियो में के अंदर मैंने किया है ऑलमोस्ट $10,000 का पेमेंट, लेकिन उसको एक साल हुआ, राइट। मेथड एग्जैक्टली सेम है, बहुत लोगों ने उसको देखा, बहुत लोगों ने क्वेश्चंस थे और इसीलिए मैंने पार्ट टू बनाया कि कैसे आप अलीबाबा सप्लायर को पेमेंट करेंगे। लेकिन इस बार मैंने अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस नहीं, पेपाल यूज़ किया। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको वन ऑन वन कोचिंग में आना है मेरे, कैसे आप अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड अमेजोन पे सक्सेसफुली सेल कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। दैट्स इज गाइज फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको कुछ क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पे मुझे पूछो, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप इंटरेस्ट है मेरे साथ सीखने के लिए वन ऑन वन कोचिंग में, तभी भी आप मुझे पूछ सकते हैं।